वैकेंसी का बहुत लोग वेट करते हैं। सेबी में आई है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की है। घर की फैसिलिटी मिलेगी आपको, मेडिकल अलाउंसेज भी मिलेंगे, एजुकेशन अलाउंसेज भी मिलेंगे, ब्रीफकेस अलाउंसेज भी मिलेंगे, कन्वीनियंस अलाउंसेज भी मिलेंगे, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेज भी मिलेंगे, फर्नीचर स्कीम भी मिलेगी, कंप्यूटर परचेज करने के भी अलाउंसेज स्कीम रहती है इसमें। देखो तो फेज वन में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लाया हूँ, इस वैकेंसी का बहुत लोग वेट करते हैं। सेबी में आई है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की है। मैं रैंक बता दूंगा, डिटेल में बात करेंगे, डेट इसमें एग्जाम डेट ही बता रहेगी, सब कुछ बता रहेगा। तो ब्रीफ में आपको मैं समझा देता हूँ, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था तो ब्रीफ में समझाऊंगा आपको, सारी चीजें बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें कैसे अप्लाई करना है। और आपको लिंक चाहिए हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। देखो ये सेबी में आई है और इसकी डेट कब से चालू होगा, फॉर्म जून 22 से लेकर जुलाई 9 2023 तक चालू है फॉर्म, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर देना अगले महीने की 9 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हो, और ज्यादा टाइम है नहीं। और इसका पेपर की डेट भी बता रखी है, फेज वन का पेपर अगस्त 5 2023 को होगा, फेज सेकेंड का पेपर सितंबर 9 2023 को होगा, और इंटरव्यू की डेट ही अनाउंस कर देंगे। इनका मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है आपके, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फोन नंबर डालोगे तो उसमें आ जाती है सारी चीजें। ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आई है। देखो वैकेंसी आई है 25, लीगल की 25 वैकेंसी आई है सेबी में, और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की। और ग्रेड ए की वैकेंसी है, बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं इसमें आपको, घर भी मिलेगा, एजुकेशन अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, लिखा भी हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कुछ सारी चीजें बताऊंगा, अभी आप देखें वीडियो को आराम से। तो देखो जनरल की 11 पोस्ट है, ओबीसी की 7 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल 25 वैकेंसी है। और एजुकेशन लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन एडवोकेट। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवा रखा होगा तो आपका 2 साल का एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन काउंट होता है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, वो एलिजिबल है। सब चीज की फोटो आएगी, आराम से पॉज करके देख लेना। अब बात करते हैं इसकी एज, मैक्सिमम एज 30 साल बोली है, पर एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल। बहुत बड़ा लिखा हुआ है, फोटो आ रही होगी, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। और मैंने पढ़ा था तब, यहाँ देखो 5 साल है एससी एसटी वालों के लिए, 3 साल है ओबीसी वालों के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल है। तो आराम से पॉज करके पढ़ लेना नोटिफिकेशन, आप पढ़ना चाहो तो। अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, एक इंटरव्यू। तो फेज 1 में पहला पेपर ये होगा जीके इंग्लिश का, लैंग्वेज का, और जो सेकंड पेपर होगा जो आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पेपर है 100 नंबर का है, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का है, और पहला पेपर 1 घंटे का होगा और दूसरा पेपर 40 मिनट का होगा। तो ये सारी चीजें, फोटो आ रही होगी, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। अब बात करते हैं सेकंड फेज के पेपर की। सेकंड फेज का पेपर पहला इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और सेकंड पेपर भी डिस्क्रिप्टिव होगा, उसे मार्क्स बता रखे हैं, 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें बता रही है, 100-100 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा, दोनों पेपर 1-1 घंटे के होंगे। सेकंड पेपर की फोटो आ रही होगी, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। और इंटरव्यू होगा थर्ड फेज इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की भी फोटो आ रही होगी, आराम से देख लेना आप लोग। अब बात कर लेते हैं अलाउंसेस की। देखो इसमें अलाउंसेस, घर भी मिलेगा आपको, अगर अवेलेबल है तो घर की फैसिलिटी मिलेगी आपको, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलेंगे, एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलेंगे, ब्रीफकेस अलाउंसेस भी मिलेंगे, कन्वीनियंस अलाउंसेज भी मिलेंगे, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेज भी मिलेंगे, फर्नीचर स्कीम भी मिलेगी, कंप्यूटर परचेज करने के भी अलाउंसेज स्कीम रहती है इसमें, लंच फैसिलिटी भी है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। सेबी में जो बच्चे जानते हैं लॉ, जो फील्ड से है ना, वो जानते हैं सेबी की लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, बहुत लोग वेट करते हैं, तो इस वैकेंसी को फिल करना, जो जो एलिजिबल है फॉर्म भरना, मिस मत करना, मिस कर दोगे तो आपका लॉस है और किसी का लॉस नहीं है। और इसमें यह भी बता रखा है कहाँ कहाँ सेंटर आएंगे, बहुत सारे सेंटर हैं स्टेट में, जयपुर में भी सेंटर है, कानपुर में भी है, ये सारी लिस्ट दे रखी है बहुत सारी। अब मेरे हिसाब से जितनी भी अपने स्टेट है इंडिया में, उसमें एक ना एक जगह सेंटर होगा इसका, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोटो आ रही होगी लिस्ट की, तो आराम से पॉज करके पढ़ लेना। फीस बता देता हूं मैं आपको, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है और जनरल कैटेगरी है उनकी 1000 रुपए है,
प्लस जीएसटी 18% और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 100 रुपए प्लस जीएसटी 18%। ये फीस है। और ये कैसे अप्लाई करना है आपको, www.sebi.government.in पे जाना है आपको, वहां पे पूरा प्रोसेस बता रखा है, मैंने फोटो लगा दी, ये प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, और आपको डिटेल में पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। और फिर भी ये नोटिफिकेशन ना मिले आपके पास, मतलब आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। पेमेंट का ही और कोई किसी को दिक्कत आ रही हो सेबी से रिलेटेड, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर ही बता रखी है, जो सारी चीजें हैं वो भी मैं फोटो लगा दूंगा, इस पे आप पूछ लेना उनसे नंबर क्या, मेल आईडी बता रखी है इन्होंने, तो उनको आप कर लेना। अब बात कर लेते हैं पेपर, पेपर में क्या क्या आएगा। देखो फेज वन में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड आएगा, इंडियन पार्टनरशिप आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ आएगा, सीपीसी आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा, लिमिटेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, जुडिसप्रूडेंस आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट आएगा, और सेकंड में क्रिमिनल लॉ आएगा, और लॉ ऑफ एविडेंस आएगा, कॉर्पोरेट लॉ आएगा, और सिक्योरिटी लॉ बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये बहुत सारे एक्ट है। फोटो आ रही होगी, आराम से पॉज करके देख लेना, सिलेबस की मैंने आपको फोटो बता दी, ये पूछा जाएगा इसमें। तो ये प्रॉपर एक सेबी की वैकेंसी आई है लॉ ऑफिसर की, 25 पोस्ट है, और लास्ट डेट आपको मैंने बताई दी थी, लास्ट डेट मैं फिर से बता देता हूं, मिस मत करना, फॉर्म भर देना। लास्ट डेट है इसकी July 9, 2023, तो ये है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आती है मैं बता देता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया आती है मैं बता देता हूँ, और लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।